वैसे तो पीपीएफ के अकाउंट में अगर हम 1.5 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख रुपीज अप्रैल के महीने में 5 तारीख से पहले करते हैं तो हमें उस फाइनेंशियल ईयर के लिए मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल सकता है। लेकिन दोस्तों 1.5 लाख रुपए कुछ ज्यादा ही बड़ा अमाउंट है और इसी की वजह से बहुत सारे लोग इसको डिवाइड करते हैं और हर महीने का जो डिपॉजिट है उसको निवेश करते हैं। थोड़े लोग 12,500 रुपए भी डिपॉजिट करते हैं लेकिन हर महीने के हिसाब से ये अमाउंट भी ज्यादा है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हर महीने अगर आप 1,000 रुपए का डिपॉजिट करते हो आपके पीपीएफ के अकाउंट में तो अगले 15 साल के बाद आपको कितना अमाउंट एज अ मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है। इसके अलावा कई सारी क्वेरीज भी आपकी सॉल्व होने वाली है आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो कैलकुलेशन की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ी सी क्वेरीज हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी रहती है कि पहले महीने में उनने 1,000 रुपए डिपॉजिट किए, दूसरे महीने में उनके पास 2,000 रुपए है तो उतना उनको डिपॉजिट करना है, तीसरे महीने में 500 रुपए है तो उतना उनको डिपॉजिट करना है। तो क्या ये पॉसिबल है, ऐसे अमाउंट्स हम डिपॉजिट कर सकते हैं पीपीएफ के अकाउंट में? तो दोस्तों जी हाँ, पूरे 12 महीने में आपको हर महीने जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करना है आप उसको कर सकते हो। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपने एक महीने में 2,000 रुपए का डिपॉजिट किया तो अगले महीने आपको 2,000 रुपए का ही डिपॉजिट करना है, आप उससे कम भी कर सकते हो या फिर उससे ज्यादा भी कर सकते हो। एक और क्वेरी ये आती है कि जब इंटरेस्ट रेट बदलता है तो किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पीपीएफ कैलकुलेटर की मदद से दिखाऊंगा कि किस तरीके से जब इंटरेस्ट रेट बदलता है तो बहुत ही आसानी से आप अपने पीपीएफ के बैलेंस पे इंटरेस्ट जान सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पीपीएफ का अकाउंट है वो 15 साल नहीं लेकिन 16 साल तक एक्टिव रहता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये कैसे? तो समझो अभी का जो महीना चल रहा है वो दिसंबर 2022 का महीना है, तो अगर आप इस महीने में आपका जो पीपीएफ का अकाउंट है उसको ओपन करते हो तो ये वाला फाइनेंशियल ईयर को काउंट नहीं किया जाता। अगला जो फाइनेंशियल ईयर आएगा यानी कि अप्रैल से जो शुरू होगा उस फाइनेंशियल ईयर से पूरे 15 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही आपका जो पीपीएफ का अकाउंट है वो मैच्योर होगा। तो समझो दिसंबर 2022 में हमने अकाउंट को ओपन किया तो मार्च 2038 तक आपका ये जो पीपीएफ का अकाउंट है वो एक्टिव रहेगा ताकि पूरे 15 साल का जो फाइनेंशियल ईयर्स है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि आपके पीपीएफ के अकाउंट में अगर आप हर महीने 1,000 रुपए का डिपॉजिट करते हो तो 15 साल के बाद आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो सकता है। तो पीपीएफ में हर महीने अगर आप 1,000 रुपए डिपॉजिट करते हो तो अगले 15 साल तक के लिए आपका टोटल डिपॉजिट्स कितना होगा, उसमें से आपका टोटल बैलेंस कितना होगा जिसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और उसके हिसाब से आपका टोटल इंटरेस्ट यानी कि प्रॉफिट्स कितना होगा डिपॉजिट्स के अलावा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे ट्रैक करने वाले हैं इस एक्सेल शीट में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 1,000 रुपए क्योंकि हम हर महीने डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम टोटल डिपॉजिट्स यहाँ पे जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले साल में आपका कितना टोटल डिपॉजिट होगा, आपको ये सेल का रेफरेंस लेना है जो कि 1,000 रुपए का है। दोस्तों आप कोई भी डिपॉजिट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 1,000 रुपए एक महीने या फिर दूसरे महीने में 2,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए, तीसरे महीने में वापस से 2,500 रुपए, और इस तरीके से आपके पास जितने अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए है उतना अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हो पीपीएफ के अकाउंट में। सिंपलिसिटी के लिए हम ये कंसिडर करेंगे कि 1,000 रुपए आप हर महीने डिपॉजिट कर रहे हो ताकि हमें टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिल सके। तो हम यहाँ पे 1,000 रुपए का वैल्यू लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से ताकि हमें पूरे साल का डिपॉजिट मिले, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस साल से जो कि एक साल है, और फिर एंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो पहले साल में आपका 12,000 रुपए का टोटल डिपॉजिट होता है। अब इसी प्रकार से मैं ये फॉर्मूला को बाकी के सेल्स में भी एक्सटेंड कर देता हूं तो टोटल डिपॉजिट जो आपका होगा पूरे 15 साल तक के लिए अगर आप हर महीने 1,000 रुपए का डिपॉजिट करते हो पीपीएफ के अकाउंट में वो है 1,80,000 रुपीज, और दोस्तों इतना अमाउंट आप टोटल डिपॉजिट करोगे। अब इसमें से आपका टोटल बैलेंस कितना होगा हर साल के हिसाब से, तो इसके लिए हम हमारा पीपीएफ का कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो पीपीएफ कैलकुलेटर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा finkelsey-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर दोस्तों ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज
ओपन हो जाएगा जहाँ पे मैंने कई सारे कैलकुलेटर आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन कैलकुलेटर, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए बनाए हैं और आगे भी बनाते रहूंगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हमें PPF का कैलकुलेटर यूज करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक न्यू विंडो में PPF का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब इस कैलकुलेटर को आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो आपके डिपॉजिट्स यहाँ पे एंटर करके, इंटरेस्ट रेट डालकर और आपका टोटल इंटरेस्ट और बैलेंस कितना होता है फाइनेंशियल ईयर एंड में वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो टोटल डिपॉजिट्स ऑफ 150,000 जो कि मैक्सिमम डिपॉजिट है, अगर आपका 7.1% के हिसाब से इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो हर महीने आपको 887.5 रुपीज का इंटरेस्ट मिलते रहेगा। तो दोस्तों क्योंकि PPF में मंथली इंटरेस्ट मिलता है आपको और ईयरली कंपाउंडिंग होता है, तो 12 महीने के जो भी रिटर्न है वो सब एड होते जाएंगे और फिर लास्ट में जो टोटल इंटरेस्ट होगा, जैसे कि आप देख सकते हो 10,650 का टोटल इंटरेस्ट हुआ है, वो आपके बैलेंस में एड कर दिया जाएगा और इसी के हिसाब से आपका टोटल बैलेंस यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ये एज अ बैलेंस कंसिडर होगा और आपको वो चीज यहाँ पे डालनी होगी। तो दोस्तों हम हमारे एग्जाम्पल में क्या करेंगे कि सबसे पहले साल में हमारा जीरो का बैलेंस है, तो यहाँ पे बैलेंस जीरो है हमारा और मंथली डिपॉजिट जो है वो 1,000 रुपीज का हम रखेंगे यहाँ पे, तो 1,000 रुपीज के हिसाब से हर महीने आपको यहाँ पे डिपॉजिट डालने हैं। तो मैं क्विकली ये सारे महीनों में 1,000 रुपीज का डिपॉजिट डाल देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो अप्रैल के महीने से अगले साल मार्च के महीने तक हमने 1,000 रुपए का डिपॉजिट किया है पूरे 12 महीनों में और इसके हिसाब से हमें यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो दिख रहा है। जैसे कि पहले महीने में हमें 5.92 रुपीज का इंटरेस्ट मिला, फिर दूसरे महीने में क्योंकि हमने और 1,000 रुपए का डिपॉजिट किया है 5 तारीख से पहले तो हमें और ज्यादा इंटरेस्ट मिला है। इसी प्रकार से जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते गया क्योंकि हमारा जो डिपॉजिट है वो कंसिस्टेंट रहा है पूरे 12 महीने में। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फीचर मैंने इस कैलकुलेटर में ये दिया है कि हर क्वार्टर में आपका जो इंटरेस्ट है अगर जो बदलता है तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज करके भी चेक कर सकते हो। तो समझो यहाँ पे जुलाई के क्वार्टर में अगर आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया है और 7% हो गया है तो आपको सिंपली यहाँ पे आके 7% का इंटरेस्ट रेट डालना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो बाकी के 2 महीने में भी अपने आप जो आपका इंटरेस्ट रेट होना चाहिए वो अपडेट हो गया और ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट भी अपडेट हो गया है, इसके हिसाब से आपका टोटल इंटरेस्ट भी अपडेट हो जाएगा। तो जैसे ही PPF में जो इंटरेस्ट रेट रिव्यू होता है गवर्नमेंट की तरफ से हर क्वार्टर में, अगर वो चेंज होता है तो आप यहाँ पे डालकर उसको चेक कर सकते हो कि आपके एग्जिस्टिंग बैलेंस पे जो भी आपका PPF का बैलेंस है उस पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा उस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 7.1 रखता हूँ। अब तक तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हमें टोटल बैलेंस यहाँ से लेना है, तो इस चीज को मैं कॉपी करता हूँ जो कि है 12,462 रुपीज का, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों हमारा जो बैलेंस है एक साल के बाद वो इतना हो गया जो कि है 12,462। इसका अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो हम ये बैलेंस को लेंगे और माइनस करेंगे जो भी हमने डिपॉजिट्स किए हैं हमारे PPF के अकाउंट में, तो ये वाला वैल्यू मैं ले लेता हूँ, एंटर पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो 462 रुपीज का प्रॉफिट होता है, यही सेम चीज हमें यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट में भी दिख रही है। और इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से आपका जो टोटल इंटरेस्ट और टोटल बैलेंस होता है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वो आप जान सकते हो। अब दोस्तों दूसरे साल में क्या होगा कि ये जो बैलेंस है उसको कंसिडर किया जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि ये जो बैलेंस है इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे इस बैलेंस के फील्ड में पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 12,462 का आपका एग्जिस्टिंग बैलेंस हो गया और फिर आपके जो डिपॉजिट्स हैं वो आप हर महीने कर ही रहे हो, तो इसके हिसाब से आपका ये जो बैलेंस है वो अपडेट होते जाएगा। यहाँ पे 13,462 रुपीज का बैलेंस हो गया है क्योंकि 12,462 में 1,000 रुपीज का डिपॉजिट आपने अलग से और किया हुआ है। और दोस्तों इसके हिसाब से आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और इसी के वजह से हम कहते हैं कि PPF में ईयरली कंपाउंडिंग होता है, क्योंकि पहले साल में तो आपका 12,000 रुपीज का डिपॉजिट था, ऊपर का 462 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट के नाम पे आपका ऐड हुआ है, उस इंटरेस्ट पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है और इसी चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रोल करोगे इतना आपका टोटल बैलेंस होगा, तो हम इस चीज को भी कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, प्रॉफिट को भी यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको एक्सटेंड कर देता हूँ। अब दोस्तों तीसरे साल के लिए क्या होगा कि यही सेम चीज हम टोटल बैलेंस को लेंगे और फिर इस बैलेंस के फील्ड में पेस्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो आपका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया, महीने के हिसाब से और ज्यादा इंटरेस्ट आपको अभी मिल रहा है कंपेयर टू जब आपने PPF अकाउंट स्टार्ट किया था। और फिर वापस से हम ये टोटल बैलेंस को कॉपी करेंगे
और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके अलावा ये जो प्रॉफिट का सेल है इसमें भी ये जो फॉर्मूला है उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार से ये जो बाकी के ईयर्स हैं उनमें भी ये जो बैलेंस होना चाहिए पीपीएफ के अकाउंट में उसको मैं ये कैलकुलेटर को यूज करके फील कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बाकी के साल है उनमें भी हमने ये जो बैलेंस है उसको यहाँ पे डाल दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे 15 साल के बाद अगर आपने 1000 रुपए का मंथली डिपॉजिट किया तो आपका जो बैलेंस है वो हो सकता है 3,15,572 रुपीज, और आपका इतना टोटल इंटरेस्ट एडिशनल आपको मिला है इस डिपॉजिट के अलावा जो कि है 1,35,572 रुपीज। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हमने 7.1% का जो इंटरेस्ट रेट है कंसिस्टेंटली 15 साल तक के लिए उसको सेम रखा है, लेकिन रियल के सिनेरियो में हो सकता है कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए या फिर घटा दिया जाए। तो ये आपके बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है और आपके डिपॉजिट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और ये इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है दोस्तों कि उस टाइम के लिए क्या इंटरेस्ट है, आगे चलकर कितना इंटरेस्ट रेट ऊपर या फिर नीचे जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, 15वें साल में आप 1000 रुपए का डिपॉजिट हर महीने कर रहे हो, लेकिन अगर आप इसका इंटरेस्ट देखोगे आपको उससे ज्यादा ही मिल रहा है। तो यहाँ पे डिपॉजिट से ज्यादा तो आपको इंटरेस्ट ही मिल रहा है क्योंकि आपने उतना बैलेंस एक्यूमुलेट करके रख लिया है आपके पीपीएफ के अकाउंट में। और दोस्तों यही इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि 15 साल तक के लिए जब आप कंटिन्यू रखते हो आपके पीपीएफ के अकाउंट में डिपॉजिट्स, तो आपको बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल सकता है। और दोस्तों ये जो भी इंटरेस्ट है, ये जो भी प्रॉफिट्स है, ये टैक्स फ्री है, आपको इस पे कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो भी आप डिपॉजिट्स करते हो वो तो एज अ डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C के मदद से। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे खासे टैक्स बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं जब आप पीपीएफ के अकाउंट में डिपॉजिट करते हो। इसके अलावा इस कैलकुलेटर पेज में मैंने कई सारे डिटेल्स दी हैं, जैसे कि पीपीएफ क्या है, पीपीएफ का इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप एक्सेल में कैसे कर सकते हो, इसके लिए भी मैंने यहाँ पे वीडियो डाला हुआ है। इसके अलावा पीपीएफ के और क्या फीचर्स है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, और भी कई सारे डिटेल्स यहाँ पे मैंने दी हैं जो कि आप रीड कर सकते हो। जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप अपने पीपीएफ के अकाउंट में कितना इंटरेस्ट आपको मिल सकता है हर फाइनेंशियल ईयर में वो जान सकते हो। अब दोस्तों 15 साल के बाद क्या ऑप्शंस हैं, या तो आप इस पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर सकते हो और जो पूरा मैच्योरिटी अमाउंट है अपने सेविंग्स अकाउंट में ला सकते हो। इसके अलावा आप पीपीएफ के अकाउंट को एक्सटेंड भी कर सकते हो विद अ ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि अगले 5 साल तक आपका जो पीपीएफ का अकाउंट है वो वापस से एक्टिव रहेगा। और जब आप एक्सटेंड करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप डिपॉजिट के साथ एक्सटेंड कर सकते हो, इसका मतलब आप डिपॉजिट करते रहोगे आपके पीपीएफ के अकाउंट में, या फिर विदाउट डिपॉजिट्स भी आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो। अब दोस्तों एक्सटेंड करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आपका जो डिपॉजिट है उससे ज्यादा तो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो जितना लंबे समय के लिए आप अपना पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव रखोगे उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा जब भी आप उस पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करोगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले कि उनके पीपीएफ के अकाउंट में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेसी टीवी को, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।